वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ट्रेजर हंट बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है पंड्रिको नंडी सुल्ली, जिसका मतलब है सुबह को थैंक यू बोलो, और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। बहुत सारे लोग एक सुअर के स्टैचू को ढूंढने में लगे रहते हैं। क्लाइमैक्स में क्या सच में वो कीमती स्टैचू इन लोगों को मिली? अगर मिली तो किसको मिली? क्या सच में वहाँ पर कुछ खजाना था? इसी बेस पर है ये मूवी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। 12th सेंचुरी में ली नाम का एक बंदा चाइना में रहता था। एक दिन ली को ये बात पता चली कि इसका गुरुजी बीमार है। ली अपने गुरुजी को देखने के लिए अपने गुरुजी के पास जाता है। ली का गुरुजी एक हकीम होने के साथ साथ उसको कुछ मैजिक भी आता था। सो ली के गुरुजी के पास एक बहुत ही कीमती मैजिकल सुअर का स्टैचू होता है। ली को देखने के बाद इसका गुरुजी ये स्टैचू ली के हाथ में थमा देता है और कहने लगता है, ये कोई मामूली सुअर का स्टैचू नहीं है, ये स्टैचू बहुत ही पावरफुल है। ये स्टैचू हमेशा अच्छे लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए। इसकी हिफाजत करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसको हमेशा बचाते रहो बुरे आदमियों से। ऐसा कहकर ली का गुरुजी मर जाता है। उसके बाद ली उस स्टैचू को अपने पास रखकर हर एक बुरे लोगों से बचाता रहता है, क्योंकि चाइना में कुछ लोगों को ये बात पता चल गई ये पावरफुल स्टैचू ली के पास है। ली पर काफी सारे लोग हमला करने लगे। इस स्टैचू को और अपने आप को बचाने के लिए ली काफी सारी जगह घूमता रहा। घूमते घूमते ली फाइनली चेन्नई में आके बसा। उस एरिए में संदन नाम का एक बंदा रहता था। संदन की और ली की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। संदन और ली ये दोनों लोगों का ट्रीटमेंट करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और कुछ दिनों बाद चाइना के कुछ लोगों को ये बात पता चल गई कि ली चेन्नई में है। वो सारे लोग ली के पास आकर इससे जंग करने लगे उस स्टैचू को हासिल करने के लिए, लेकिन ली किसी भी तरह करके उन सारे लोगों को मार गिराया। और मरते मरते ली इस सुअर की स्टैचू को अपने बेस्ट फ्रेंड संदन को देता है। इस स्टैचू का सीक्रेट भी संदन को बता देता है। उसके बाद संदन एक ऐसे ही आदमी की तलाश करने लगा जो अच्छा हो, क्योंकि अब तक संदन बूढ़ा हो चुका है। बहुत तलाश करने के बावजूद भी संदन को कोई अच्छा बंदा नजर नहीं आता। सो संदन एक पहाड़ी चढ़कर ऐसे ही बैठा रहता है, बैठे बैठे मर जाता है। मरने से पहले उस सुअर की स्टैचू को वहीं पर दफना देता है। 2001 में वो स्टैचू एक आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट अच्छा बंदा होने की वजह से ये डिसाइड करता है कि इस स्टैचू को गवर्नमेंट को सौंप देगा। इस तरह से जब ये बंदा इस स्टैचू को लेकर सिटी जा रहा होता है, तभी एक गैंग आकर इस पर हमला करती है उस बंदे के ड्राइवर को, और उसको मार के वो कीमती स्टैचू अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद ये गैंगस्टर इस स्टैचू की एग्जामिनेशन करवाने लगता है। टेस्ट करवाने पर इस गैंगस्टर को ये बात पता चलती है कि ये स्टैचू ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है। अगर इसको दूसरे देश में बेच दिया जाए तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, मतलब बहुत ही कीमती होती है ये स्टैचू। इसी गैंगस्टर के पास पनीर और दिवाकर नाम के दो बंदे काम करते रहते हैं, और ये बात इन दोनों की कान में पड़ती है। उसके बाद मौका देखकर ये दोनों अपने बॉस की अलमारी से बहुत सारा पैसा और वो कीमती स्टैचू चुरा कर भाग जाते हैं। स्टैचू को हासिल करने के बाद पनीर और दिवाकर ये दोनों एक ही जगह पर नहीं रुकते, इधर उधर भटकते रहते हैं। इसी दरमियान में इन दोनों को एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री नजर आती है जो बहुत सालों से बंद पड़ी है। सोच लेते हैं कि ये दोनों यहाँ पर रुकेंगे जब तक इस स्टैचू की डील ओके नहीं हो जाती। खैर दिवाकर के पास 3 टैबलेट्स होते हैं। एक मार्कर लेकर दिवाकर इन टैबलेट्स में कुछ लिखते रहता है। पनीर पूछने लगता है कि ये तुम क्या लिख रहे हो। दिवाकर कहने लगता है, जब हम डील बात करने के लिए जाएंगे हम अपने साथ इस स्टैचू को नहीं ले जा सकते, बहुत खतरा हो सकता है, इसलिए हम स्टैचू को इसी फैक्ट्री में छुपा देंगे, और जब स्टैचू की डील ओके हो जाएगी तो हम उन लोगों को उस स्टैचू का पता बताएंगे, और वो भी क्लू के जरिए से। इसलिए मैं इन तीनों टैबलेट्स में एक कोड को लिख रहा हूँ। इस कोड का नाम है नास नाच। इन तीनों टैबलेट्स के जरिए से और इस वर्ड के जरिए से इस कोड को डिकोड किया जा सकता है। उसके बाद सीन 2016 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर जिनका नाम होता है विधि मुर्गन और जाफर, ये दोनों एक पुराने आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम होता है सगायम, इसके पास आते हैं। और इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के पास उस स्टैचू के रिलेटेड एक फाइल होती है, उसमें पनीर और दिवाकर का भी जिक्र होता है। सो विधि मुर्गन सगायम से पूछने लगता है कि नाच नाच का मतलब क्या है। इसी फाइल में सगायम एक बंदे की फोटो को देखता है और इन दोनों से पूछने लगता है कि पहले मुझे इस बंदे के बारे में, इस फाइल के बारे में बताओ, और ये टैबलेट्स आपके पास कहाँ से आए, तभी मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। सो ये दोनों अपने फ्लैशबैक को बताने लगते हैं। देवराज नाम का एक बंदा फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है, जिसके लिए इसके पास एक बहुत ही अच्छी कहानी है। देवराज एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, अपनी कहानी को सुनाता है। इस प्रोड्यूसर को देवराज की कहानी बहुत पसंद आती है,
कहानी सुनने के बाद प्रोड्यूसर देवराज से कहने लगता है कि तुम मुझे ये कहानी बेच दो, मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन देवराज इसके लिए मना करने लगता है क्योंकि देवराज को पैसा और फेम दोनों चाहिए। दोबारा प्रोड्यूसर देवराज से कहने लगता है कि देखो लड़के, जब जब इंडस्ट्री में ऐसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर लो। इस तरह से वो प्रोड्यूसर देवराज को एक नंबर देकर इसके साथ सेल्फी लेता है। उसके बाद देवराज अपने फ्रेंड मयूली के साथ मिलकर किसी बार आता है दारू पीने के लिए। बातों ही बातों में देवराज आज जो कुछ हुआ मयूली को बताने लगता है। मयूली देवराज से कहने लगता है, तुम पागल हो गए हो, आजकल हमको पैसों की जरूरत है और वो भी वो बंदा 10 लाख रुपए दे रहा है। तुम उस प्रोड्यूसर के पास से पैसे हासिल कर लो, उसको कहानी बेच दो, दोबारा तुम एक और कहानी लिखना, उसकी फिल्म बना लेना तुम। सो यह सुनने के बाद देवराज भी सोचने लगता है, हाँ अब इसको पैसों की जरूरत है। उस प्रोड्यूसर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि मैं कहानी बेचने के लिए रेडी हूँ। वो प्रोड्यूसर देवराज को एक एड्रेस देते हुए उससे कहने लगता है कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर मेरा आदमी होगा, उसको अपनी कहानी दे दो, वो बंदा तुमको पैसे दे देगा। अब उसी बार में ये दो पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, विधि मुरकन जाफर, और ये दोनों चोरी छुपके देवराज को देखते रहते हैं। खैर प्रेजेंट पर ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स सगायम को पनीर और दिवाकर के बारे में बताने लगते हैं कि ये दोनों अपने बॉस के पास से ये बहुत ही कीमती स्टैचू चुरा ले आए और वो दोनों उस कीमती स्टैचू को किसी पुराने फैक्ट्री में छुपा दिया, जिसके लिए उन्होंने नासनाज नाम का एक कोड रखा। अगर इस कोड को डिकोड करे तभी उस स्टैचू का पता चल सकता है। और इसी तरह इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के पास 2 टैबलेट्स होते हैं। अब ये 2 टैबलेट्स इन लोगों के पास कैसे आए ये भी बताने लगता है। उस वक्त पनीर और दिवाकर का बॉस चार्ली नाम के एक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाकर उन दोनों को ढूंढने के लिए कहा। बहुत दिनों बाद चार्ली पनीर और दिवाकर को ढूंढ लिया, लेकिन फायरिंग के दौरान ये तीनों मर गए। क्राइम सीन पर पुलिस वालों को 2 टैबलेट्स मिले, लेकिन एक टैबलेट सगवरम नाम के एक रोडी शीटर के पास है। रिसेंटली हमको ये बात पता चली और सगवरम के बंदे को फॉलो करते हुए हम उस बार पहुँचे। उसी बार में इत्तेफाक से देवराज और उसका फ्रेंड मयूली था। बातों ही बातों में सगवरम का आदमी देवराज से माचिस मांगता है सिगरेट सिलगाने के लिए। तभी इस बंदे को ये बात पता चलती है कि पुलिस इसके पीछे है। सो ये बंदा अपने जेब से उस टैबलेट को निकालकर देवराज के माचिस में रख देता है और उस माचिस को दोबारा देवराज को दे देता है। उसके बाद जब ये बंदा बार से बाहर जाता है, विधि मुरगन और जाफर ये दोनों इस बंदे को मार पीट के उस टैबलेट के बारे में पूछने लगते हैं। पहले तो ये बंदा सच नहीं बताता, लेकिन बाद में इन दोनों को जो सच है वो बताने लगता है। जब तक ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स उस बार में आते तब तक देवराज उसका फ्रेंड वहाँ से जा चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी विधि मुरगन और जाफर ये दोनों उस बंदे को अपने साथ लेकर देवराज को फॉलो करने लगते हैं। खैर थोड़ी देर बाद देवराज और उसका फ्रेंड एक पुराने फैक्ट्री के पास आते हैं, क्योंकि उस प्रोड्यूसर ने यही का एड्रेस दिया। वहाँ पर राउडी शीटर सगवरम देवराज को पैसे देने के लिए होता है। विधि मुरगन और जाफर ये दोनों सगवरम को यहाँ पर देखकर ये सोचने लगते हैं कि देवराज ने सगवरम के साथ डील कर ली, इसीलिए देवराज पैसे लेने के लिए सगवरम के पास आया है। सो जब सगवरम देवराज के पास आ रहा होता है, विधि मुरगन अपनी गन लेकर सगवरम पर फायरिंग करने लगता है। सगवरम भी अपनी गन लेकर पुलिस पर फायर करने लगता है। अब उसी फैक्ट्री में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वो सारे लोग अपने अपने जान बचाने के लिए उस गड्ढे में कूद जाते हैं। सो दोबारा पुलिस और सगवरम के बीच फायरिंग होने लगती है। अब पुलिसों के पास सगवरम का आदमी होता है। ये बंदा सगवरम को जो सच है वो बताने लगता है कि वो टैबलेट देवराज के पास है, उसी को हासिल करने के लिए पुलिस यहाँ पर आई है। ये सुनने के बाद जब देवराज अपनी माचिस खोल के देखता है तो सच में उसमें एक टैबलेट होती है। देवराज ये सोचने लगता है कि इस टैबलेट को पुलिस को दे देगा, लेकिन सगवरम देवराज को डराने धमकाने लगता है कि तुम उस टैबलेट को पुलिस को नहीं दोगे, अगर बाहर निकले तो मार दूंगा। और इसी तरह विधि मुरगन भी देवराज को डराता है, अगर तुमने ये टैबलेट सगवरम को दिया तो तुम तो गए बेटा। सगवरम उन दोनों पुलिस ऑफिसर से डील बात करने लगता है, अगर तुम मुझे तुम्हारे पास के वो 2 टैबलेट्स दोगे तो मैं तुम लोगों को 2 करोड़ दूंगा। लेकिन विधि मुरगन इसके लिए मानता नहीं। ये सुनने के बाद देवराज ये सोचने लगता है कि इसके पास जो टैबलेट है वो बहुत ही कीमती है, इसी के लिए पुलिस और गुंडे इसके पीछे पड़े हैं। गड्ढे से बाहर आकर देवराज इन दोनों से कहने लगता है कि देखो ये लड़ाई तुम लोगों के बीच है, हम लोगों को क्यों फंसा रहे हो, तुम लोगों की फायरिंग में हमारी जान जा सकती है, हम दोनों को इस मामले में मत खींचो। मैं एक काम करता हूँ, इस माचिस को मैं डोर के पास रख के जाता हूँ, उसके बाद तुम लोग एक दूसरे में फायरिंग कर लो और जो बचेगा वो इस टैबलेट को हासिल कर लेगा। सो इसके लिए विधि मुरगन सगवरम ये दोनों ओके कह देते हैं। उसके बाद देवराज और उसका फ्रेंड उस माचिस को ले जाकर डोर के पास रखते हैं। एक्चुअली नहीं रखते, रखने का बहाना करते हैं। देवराज उस माचिस को लेकर भाग जाता है। सारे लोग अपने गड्ढे से बाहर आकर देवराज का पीछा करने लगते हैं। इसी दरमियान में विधि मुरगन को
देवराज का पर्स मिलता है जहाँ पर इसकी फोटो होती है। खैर बहुत देर चेजिंग करने के बाद फाइनली देवराज और उसका फ्रेंड एक ट्रेन में बैठ के भाग जाते हैं। ट्रेन में आने के बाद देवराज मयूली से कहने लगता है कि लगता है ये टैबलेट बहुत ही कीमती है, हम पुलिस वालों से या तो फिर सागवरम से डील बात करेंगे, तकरीबन हमको 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं और उन पैसों से मैं खुद की फिल्म प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इस तरफ जाफर विधिमुर्गन से कहने लगता है कि सर हमारे पास तो फिलहाल 2 टैबलेट्स है ना, उस एक टैबलेट को आप जाने दो, मैं सगायम नाम के एक बंदे को जानता हूँ जो आर्कियोलॉजिस्ट है। सगायम को ऑलमोस्ट 13 लैंग्वेजेस आती है, पुराने चीजें इकट्ठा करने में वो बहुत माहिर है। हमारे पास जो 2 टैबलेट्स है उन टैबलेट्स को सगायम के पास ले जाएंगे, इस कोड को डिकोड करने के लिए कहेंगे। सो इस तरह से विधिमुर्गन और जाफर ये दोनों सगायम के पास आते हैं, नाच वर्ड को डिकोड करने के लिए कहते हैं और इसका हिंट 3 टैबलेट्स में है, लेकिन फिलहाल इन दोनों के पास 2 टैबलेट है। ये सुनने के बाद सगायम अपने पुराने बुक्स को रेफर करने लगता है कि शायद इसको कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन बहुत देर देखने के बावजूद भी सगायम को कुछ भी क्लू नहीं मिलता। विधिमुर्गन और जाफर से कहने लगता है कि मुझे और थोड़ा टाइम दो, मुझे और कुछ बुक्स को पढ़ना होगा, अगर कुछ मिला तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा। खैर इसके बाद एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ सगवरम के लोग देवराज को ढूंढते रहते हैं और उसी तरह देवराज और उसका फ्रेंड भी इन सारे लोगों से बचते फिरते रहता है। बहुत दिन चेस करने के बाद फाइनली सगवरम देवराज को ढूंढ निकालता है और उसी तरह विधिमुर्गन भी। यहाँ पर इन तीनों लोगों के बीच बहुत ही कॉमेडी फाइट चलती है। खैर जो भी हो, सगवरम और उसके आदमी देवराज और विधिमुर्गन को किसी पुराने फैक्ट्री में लाके बांध देते हैं। अब विधिमुर्गन के पास इस स्टैचू के रिलेटेड एक फाइल होती है ना, वो फाइल सगवरम पढ़कर उस सारी स्टोरी को जान लेता है। उसके बाद विधिमुर्गन को मार पीट के उसके पास जो 2 टैबलेट्स होते हैं ना वो हासिल कर लेता है और फाइनल टैबलेट देवराज के पास होता है। देवराज से कहने लगता है कि वो बचा टैबलेट भी मुझे दे दो। देवराज इसके हाथ पैर खोलने के लिए कहता है। इसी दरमियान में देवराज चालाकी से गन हासिल करके इन सारे लोगों पर गन पॉइंटेड करता है और उनके पास से वो 3 टैबलेट्स और वो फाइल हासिल करके इन सारे लोगों को वहीं पर बांध के चला जाता है। लेकिन जब देवराज इस फाइल को पढ़ता है तब जाके देवराज को इस स्टैचू की हिस्ट्री के बारे में पता चलती है। देवराज दोबारा उसी पुरानी फैक्ट्री में आकर इन सारे लोगों से कहने लगता है, अब मुझे पता चला उन 3 टैबलेट्स के जरिए से ही उस स्टैचू का लोकेशन पता कर सकते हैं। सो अब वो 3 टैबलेट्स मेरे पास है, लेकिन मुझे उस सुअर की मूर्ति के बारे में ज्यादा पता नहीं। सो आप लोग भी मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम सारे लोग मिलकर उस मूर्ति को ढूंढेंगे, इक्वल में पैसा बांट लेंगे। सो विधिमुर्गन और सगवरम ये दोनों भी हाँ कहने लगते हैं। उसके बाद देवराज उन 3 टैबलेट्स को बाहर निकाल कर अरेंज करने लगता है। अरेंज करने के बाद एक वर्ड निकल के आता है, तिरुपिप आरु। अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो ये वर्ड निकल के आता है तिरुपिप आरु, जिसका मतलब पीछे पलटा के देखो या पीछे देखो। सारे लोग सोचने लगते हैं कि किसको पलटा के देखे। थोड़ी देर बाद फाइनली इस वर्ड को डिकोड कर लेते हैं, मतलब इनके पास एक पेपर होता है ना पनीर दिवाकर नौस नाच बोल के, सो इसी पेपर को ये लोग उल्टा पलटाते हैं। पेपर को पलटाने पर पहला नाम होता है जॉनसन। उसके बाद वो सारे लोग उस पुरानी फैक्ट्री में जॉनसन नाम को ढूंढने लगते हैं। फाइनली इन सारे लोगों को किसी जगह पर एक फोटो नजर आती है जिस पर नाम लिखा होता है रॉबर्ट जॉनसन। जब विधिमुर्गन उस फोटो को हटाता है वहाँ पर एक टनल होता है, मतलब एक सीक्रेट कमरा होता है। सारे लोग उस टनल के जरिए से उस सीक्रेट कमरे में जाने लगते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा बक्सा होता है, सारे लोग मिलकर इस बक्से को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इन लोगों को कुछ घंटा नहीं मिलता। उस बक्से में एक अंडा 2 रुपये और एक मिट्टी का सुअर का पुतला होता है। ये देखकर ये सारे लोग ये कहने लगते हैं कि इसके लिए हम लोग इतना मारपीट किया, हम लोगों ने सोचा था यहाँ पर कुछ खजाना होगा लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन विधिमुर्गन सारे लोगों से कहने लगता है, नहीं इस बक्से में खजाना था, वो सुअर की मूर्ति थी, लेकिन हमसे पहले कोई आकर ले गया, क्योंकि इस मिट्टी की मूर्ति पर और 2 रुपये के कॉइन्स पर ज्यादा धूल नहीं है, जिसका मतलब किसी ने रिसेंटली इन चीजों को यहाँ पर रखा। और ट्विस्ट ये है कि इस स्टैचू को चुराने वाला और कोई नहीं, वो पुराना आर्कियोलॉजिस्ट सगायम होता है। फिलहाल उसी के पास वो कीमती मूर्ति और पैसे होते हैं। एक्चुअली बात ये थी, विधिमुर्गन और जाफर सगायम के पास आने से पहले सगवरम सगायम के पास आया था। सगायम सगवरम से कहने लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा। सो सगवरम जाने के बाद वो 2 पुलिस वाले सगायम के पास आते हैं और उन टैबलेट्स का उस वर्ड का सारी स्टोरी सगायम को बताते हैं। सो इस तरह से सगायम को उन 3 टैबलेट्स का वर्ड मिल जाता है। फाइनली सगायम इस कोड को डिकोड करके उस पुराने फैक्ट्री में जाता है। वहाँ पर सच में एक बक्से में वो कीमती मूर्ति होती है,
सगायम इस मूर्ति को हासिल कर लेता है। उसके बाद सगायम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखता है। बहुत साल पहले मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया करता था। उस वक्त मुझे एक कीमती सुअर स्टैचू के बारे में पता चला। उसकी खोज में लग गया। कुछ सालों बाद वो कीमती मूर्ति मुझे मिल भी गई। और जब मैं उस मूर्ति को गवर्नमेंट के हवाले करने वाला था, तभी एक गैंग आकर मुझ पर हमला किया। उस वक्त मेरा ड्राइवर मर गया, लेकिन मैं बच निकला। इसलिए उस वक्त मैं अपने जॉब को रिजाइन करके इसी मूर्ति की तलाश में लग गया। फाइनली बहुत सालों बाद मुझे ये मूर्ति मेरे हाथ लगी। सो अब मैं इस मूर्ति को गवर्नमेंट के हवाले करके मेरा फर्ज पूरा करूँगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।